Good morning, everyone. How are you all? Hello, sir. I'm fine. Good morning, sir. We are fine, sir. What about you? Thank you. Beta, already I have sent the recorded video of the chapter, the paragraph explanation of this chapter number 9. I hope everybody has complete video, complete explanation. Yes, sir. Yes, sir. Is there any query, any questions? जो आपको उसमें कुछ ना समझ में आया हो, जो कुछ चीजें बची हुई है, I will explain in this live class. Don't worry about the brochure. Brochure के बारे में और exercise जो discuss करना है, उसपे based. तो apart from those, apart from the brochure and exercise, is there any query? No, sir. Okay, so let us open the book so that we can start the class for today. चैप्टर नंबर 9 आपको कहने के लिए तो इंग्लिश का सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपकी जीएस को, आपकी जो जनरल नॉलेज है उसको कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर रहा है. जो आपकी आईक्यू या जो आपका जनरल नॉलेज है उस पर काम कर रहा है. बिकॉज अभी इसके पहले शायद ही कितने लोगों को पता था कि अमेजॉन इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. हाउ मेनी न्यू? कुछ लोगों को पता रहा होगा, नहीं भी पता रहा होगा. साथ ही साथ नील नदी के बारे में भी बताया गया. अमेजॉन और नील नदी में कंफ्यूजन रहती है. सबसे बड़ी अमेजॉन भी कहा जाता है, सबसे बड़ी नील नदी को भी कहा जाता है. बट दोनों में डिफरेंस क्या है, ये कौन बताएगा? हाँ बताइए शानिका. सर डिफरेंट बिटवीन व्हाट इज दैट कि सर अमेजॉन इज अ रिवर व्हिच इज सिचुएटेड इन फॉरेस्ट, बट सर नील रिवर इज अ रिवर व्हिच इज नॉट सिचुएटेड इन फॉरेस्ट एंड इन ओपन एरिया. द सेकंड डिफरेंस बिटवीन अमेजॉन एंड नील इज अमेजॉन इज सिचुएटेड इन अफ्रीका बट इज इन इजिप्ट. नो उल्टा बोल गई. चलो माइक ऑन करो. अमेजॉन सिचुएटेड इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट. जो आपका नील नदी है दैट इज सिचुएटेड इन अफ्रीका. फिलहाल जो मेन डिफरेंस है बेटा, आपको इतना सारी बातें बताने की जरूरत नहीं है. अमेजॉन को भी बड़ी नदी कहा जाता है, नील नदी को भी बड़ी नदी कहा जाता है. अमेजॉन इज ऑल्सो द नोन एज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड एंड नील नदी इज ऑल्सो नोन द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. बट दोनों में कंडीशंस अलग है. जो उसके वैल्यूम के जो एज पर द वैल्यूम ऑफ द रिवर, अमेजॉन इज नोन एज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. बट इफ consider, if we consider the length of the river, then as per the length of the river, Nil Nadi is known as the longest river in the world. सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी. सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेज़न नदी. ठीक है? Yes sir. चीजें क्लियर रहेंगी? Yes sir. This chapter is based on the conversation between the Zayd and Suleiman. Zayd and Suleiman दो भाई हैं. तो जिसमें से जो बड़ा भाई है ज़ैद, ही इज अबाउट टू गो फॉर द एक्सपेडिशन टू द अमेज़न. अमेज़न पे ही वो खोज के लिए जा रहा है किसी पर्टिकुलर, क्योंकि वो तरीके का एक्सप्लोरर है, खोज करता है, यानी कहीं ना कहीं रिसर्च करने वाला पर्सन है. उसका जो प्रोफेशन ही है रिसर्च करना है. तो किसी रिसर्च पे जा रहा था, तो उसी बीच उसका जो छोटा भाई है उसके पास आता है और कुछ क्वेरी करना चाहता है कि वेयर यू आर गोइंग, हाउ, जैसे आप लोग करते हैं. उसी बीच में अमेज़न के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज गेन करता है. वही नॉलेज उन दोनों के कन्वर्सेशन के थ्रू हमें भी गेन करना है. तो आई हैव एक्सप्लेन द थिंग्स, पैराग्राफ में क्या हो रहा है, क्या किसका मीनिंग है, क्या चीजें बातचीत हो रही है. इस कन्वर्सेशन को भी हमने रिकॉर्डेड वीडियो में पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया है इन बोथ द लैंग्वेजेस, इवन इन हिंदी, इंग्लिश में लिखा ही है कि किसका क्या मतलब है. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर. के बारे में बताया गया कैपक ट्री क्या है. आने लगी. आप थोड़ा शांत रहिएगा बेटा, आपके कई सारे आंसर हो गए तो बाकी बच्चों को भी मौका मिले. तो वाटर लिली के बाद हम लोगों ने पढ़ा था और क्या पढ़ा था? हाँ, एक यहाँ पे सिचुएशन, यहाँ पे
ये आपका ब्रोशर है, ब्रोशर के बारे में इंडिकेट करके जब वो बताता है, आई विल डिस्कस दिस वन बिकॉज आई हैव लेफ्ट इन द रिकॉर्डेड वीडियो अबाउट दीज एनिमल्स. ये एनिमल्स जो ब्रोशर में आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर देयर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर देयर, उनके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दी गई है. तो दैट्स व्हाट आई हैव मिस्ड इन द रिकॉर्डेड वीडियो, जो कि मैंने वहां पे एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि जो वीडियो था वो ऑलरेडी करीब 30 मिनट बहुत ही लंबा होता जा रहा था और उतना लंबा वीडियो में नहीं चाहता था. चैप्टर बड़ा था इस वजह से लंबा हो गया था, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने लाइव क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे. यहाँ पे क्या क्या सिचुएशन थी, व्हाट इज इन दैट, ये यहाँ पे ये कब बोला दिव्या, आप बताइए सुलेमान ने ये किसकी तरफ इंडिकेट करते हुए कहा, व्हाट इज इन दैट. बताइए शांतिका, आप ही बताइए. Sir, Suleiman is saying to his brother Zed, indicating to the medicine bottle. No, it was not the medicine bottle. Sir, it was something else. Anybody else who want to tell? किसको ध्यान है? Am I audible to you all? First of all, let me know because I'm not getting the moving picture from you all. पर्टिकुलर सामान था उसी के पास जो की जैद लेके जा रहा था उसकी तरफ इंडिकेट करके पूछता क्या है, व्हाट इज दिस दैट. तो इट वाज द फिशिंग गियर. और भी एक चीज था यहाँ पे, जो उसकी माँ आती है, उसकी माँ क्या इन्फॉर्म करती है आपको स्टोरी में ही बताया गया, तनिष्का उसकी माँ की एंट्री होती है, उसकी माँ आते ही क्या बोलती है तनिष्का. सर, when mother comes and she also knows. वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में इन्फॉर्म की थी, आप अपने लैंग्वेज में बता दीजिए, नाम ध्यान नहीं है कोई बात नहीं, आप बताइए उसने कुछ इन्फॉर्म किया था, क्या इन्फॉर्म किया था, आपने वीडियो देखा है कि नहीं बेटा तनिष्का पूरा देखा है, फिर क्यों नहीं बता पा रहे हो. वो जायद यानी जो बड़ा भाई जो कि एक्सप्लोरर था. हाँ बताइए अमन, नहीं अमन आप ऑलरेडी बता चुके हैं, कोई विकास वर्मा आप बताइए इसके बारे में जानती है. यस सर, बताइए उसकी मदर ने क्या इन्फॉर्म किया था. सर उसकी मदर ने ये इन्फॉर्म किया था कि 20 बॉटल्स ऑफ द मेडिकेटेड क्रीम एंड ऑर्डर टू द डीवीआर ऑफिस. सर ऑफिस में सर 20 बॉटल मेडिकेटेड क्रीम का था, उसको जो ऑर्डर किया था आपने वो डिलीवर्ड हो गया है, बस यही इन्फॉर्म किया था उसने, बस सिंपली बोल देना चाहिए. आप पढ़ रहे हो किताब देख देख के, चलो ठीक है. फिलहाल इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं वेस्ट करते, आप लोगों ने देखा है, आप लोगों को समझ में आया होगा चैप्टर, आई होप. आप लोग कह भी रहे कि कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई क्वेरी नहीं. सो लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ द एनिमल्स दैट इज मेंशन्ड इन द ब्रोशर, जो ब्रोशर उसने जैद ने अपने भाई सुलेमान को दिखाया था. सो इन दिस ब्रोशर देयर इज अ फर्स्ट एनिमल स्कारलेट माकाओ, लाल तोता इसे बोलते हैं हिंदी में. तो इसके बारे में क्या सभी आप लोगों ने पहले सुना है, देखा है किसी ने, हाउ मेनी हैव सीन दिस पर्टिकुलर वर्ड, किसी ने देखा है? नो सर, मैंने देख लिया. नो सर, डिस्कवरी में देखा है. यस, टीवी में देख लिया है. यस सर, टीवी में देखे, मोबाइल पे देख रहे हैं, बुक में देख लिए हैं. इसके लिए अमेज़न चलना पड़ेगा. यस सर, किसी दिन छुट्टी है ही, स्कूल चल ही नहीं रहा, ऑनलाइन कहीं से भी पढ़ लेंगे. अमेज़न में तो इंटरनेट, अब वहां पे भी तो इंटरनेट फैसिलिटी तो होगी, नाव में बैठ के पढ़ाएंगे, आप लोग दूसरे नाव में बैठ के पढ़िएगा. सर एक साल लगता है. दिस इज द काइंड ऑफ बर्ड दैट कैन लिव 60 इयर्स और मोर एंड ईट्स फ्रूट्स एंड नट्स. एक तरीके से शाकाहारी है ये, ठीक है. यस, सो दिस इज अबाउट द स्कारलेट मकाओ एंड द सेकंड पिक्चर ऑफ दिस. What is this? ये ऐसे ऐसे एनिमल्स है जो देख करके अगर सामने आ जाते बस सोचना पड़ जाएगा कि है क्या, ये बंदर है क्या है. थ्री टोड स्लॉथ, ये थ्री टोड स्लॉथ द लेजिएस्ट एनिमल, सबसे आलसी एनिमल है. द लेजिएस्ट एनिमल अराउंड, इट स्लीप्स फॉर अबाउट 20 आवर्स अ डे. ये 20 घंटा कौन सोता है, ये तो कुंभकर्ण को भी फेल कर दिया.
नहीं कुंभकर्ण तो ज्यादा सोता था तो दैट इज सच्चा माइंड का नाम केवल खराब किया है क्योंकि वो आदमी था तो आदमी का नहीं वो राक्षस था इट्स एन एनिमल चलो ठीक है थ्री टोड स्लॉथ जो है इट इज द लेजीएस्ट एनिमल अराउंड इट स्लीप्स फॉर अबाउट 20 आवर्स अ डे आप yes. कोई ये बताइए टोड मींस क्या होता है ये टोड मींस क्या होता है थ्री टोड स्लॉथ इसका ये टोड मींस क्या होता है तीन क्या चीजें होती है उसके पास क्या कौन सी चीजें तीन होती है हाँ बताइए शानिका जिसको भी आता है बता दीजिए सर सर उसके हाथ की नेल्स हाँ उसके यस सर जो कहीं ना कहीं आप तीन अंगूठों वाला जो है स्लॉथ है ये यानी उसके पास तीन अंगूठे हैं दो अंगूठे नहीं है द नेक्स्ट वन इज द एनाकोंडा इसके बारे में तो लोगों ने सुना ही है मूवी भी बनी है ये एनाकोंडा क्या है द लार्जेस्ट स्नेक ऑन अर्थ अब एक और इन्फॉर्मेशन हो गया लार्जेस्ट रिवर आपने जान लिया लॉन्गेस्ट रिवर आपने जान लिया लार्जेस्ट स्नेक ऑन द अर्थ इज द एनाकोंडा आप लोग चाहे तो कभी क्वेरी क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क दीस क्वेश्चंस द लार्जेस्ट स्नेक ऑन अर्थ इट कैन इवन गॉबल अप अ जैगुआर जैगुआर एक तरीके से आपका जो रेन फॉरेस्ट का सिंबल एक तरीके से प्रतीक माना जाता है एक मतलब जैगुआर इज अ काइंड ऑफ एनिमल अभी आपके इस पिक्चर में भी इस ब्रोशर में भी है उसको बहुत ही आसानी से काट सकता है निगल सकता है खा सकता है फेमस फॉर इट्स लॉन्ग द नेक्स्ट यस दैट एंटीथिएटर ये क्या है जैंट मींस तो विशाल होता है आप लोगों ने पढ़ा ही था ठीक है अब बहुत ही विशाल एंटीथिएटर इसका नाम है फेमस फॉर इट्स लॉन्ग स्टिकी टंग स्टिकी यानी चिपचिपा बहुत ही लंबे चिपचिपे टंग के लिए फेमस है विच इज यूज टू कैच इंसेक्ट्स फॉर फूड खाने के लिए इंसेक्ट्स को पकड़ता है इट कैन स्मेल इंसेक्ट्स फ्रॉम अफार ये किसी भी इंसेक्ट्स को कहाँ पे है वो बहुत दूर से स्मेल भी कर सकता है एंड ईट्स अबाउट 30,000 इंसेक्ट्स इन अ डे एक दिन में करीब 30,000 ऐसा मत कह देना नहीं तो इसका मतलब ये होगा ये तो बहुत आसानी से खाया जा सकता है ये इतना आसान नहीं है इंसेक्ट से The next, yes, the next kind of verb is, the next kind of animal is happy eagle. The happy. Most powerful eagle, happy. It has claws which are longer than those of a grizzly bear. इसके पास पंजे जो थे. The most powerful eagle, बहुत ही शक्तिशाली eagle. It has a claws, इसके पास किस तरह के पंजे हैं? Which are longer than those of a grizzly bear. ये यानी भूरे कलर का भालू को grizzly bear बोलते हैं. भालू से भी बड़े बड़े पंजे हैं इसके पास. Daucon, it is the loudest. Clear नहीं हो पा रहा है क्या लिखा है स्कैन में. The loudest bird. Loudest ही लिखा है. The loudest bird in the Amazon. It is famous for its oversized, colorful beak called a बिल क्या लिखा है बिल या बिल 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 अच्छा चलो बिल आपका हिंदी में आपका होल को बोला जाता है ये इसके और बिल टॉकन के चोंच को भी बिल बोला जाता है अब ये ध्यान रहेगा ठीक है यस इट्स अ ओवरसाइज्ड कलर फुल तो दिस इज अनदर काइंड ऑफ बर्ड नाउ लेट अस रीड अबाउट द जैगुआर इट इज द लार्जेस्ट कैट इन द अमेरिका It is the symbol of the rainforest. ये कहीं ना कहीं rainforest का symbol भी माना जाता है कहीं ना कहीं बहुत ही आधी मात्रा में यानी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं उस rainforest में अमेज़न के पास The most poisonous creature on earth, it is very brightly colored and oozes poison through its skin. ये बहुत ही ज्यादा जहरीला सबसे ज्यादा जहरीला क्रिएचर ऑन द अर्थ यानी जमीन का इस सबसे जहरीला जंतु कोई है ये जो जहर है ना अपने स्किन से ट्रांसफर कर देता है इससे बच के रहना इसको मेढक समझ करके घुसने मत देना घर में यस इतना भर है दैट्स ऑल दीज आर द सम ऑफ द काइंड्स ऑफ एनिमल्स दैट वाज मेंशन्ड इन द ब्रोशर ऑफ दैट वाज शोन टू द सुलेमान भाई His elder brother Jad. Jad ने जो उसके भाई को दिखाया जो
ब्रोशर, ये ब्रोशर का पिक्चर था, तो उसमें जो जो एनिमल्स थे उस एनिमल्स को दिखाया गया, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया. फॉर मोर एनिमल्स यू ऑल कैन, मतलब ऑल्सो यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट. देर आफ्टर वी आर सपोज टू स्टार्ट द नाउ, कि जो आपका जो ब्रोशर बचा था उसको कंप्लीट कर लिया गया. आफ्टर दैट वी आर सपोज टू डिस्कस द गेट गोइंग सेक्शन, दैट इज हैविंग द मेनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द व्हाटएवर वी हैव स्टडीड इन द इन दिस चैप्टर. तो आर यू ऑल रेडी फॉर दिस वन? यस सर. तो क्या है मैच द फॉलोइंग? मैच द फॉलोइंग में आपको कुछ यहाँ पे नाम दिया गया है, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में कुछ नाम दिया है. यू ऑल हैव टू टेल दैट कि व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट, कौन सा ऑप्शन किससे मिलेगा, ये आपको बताना है. तो आपका जो इसको कितने लोगों ने किया है अपनी मर्जी से अभी तक? तो बताइए, जो आपका ये पिनास जो है ये किससे मैच होगा? Which of the flesh eating fish column we should be the flesh eating fish found in the Amazon. The flesh eating fish are found in the Amazon. This is a kind of, ये क्या है? Sir, fish. Fish. This is a kind of, ये बताया गया था कि हम लोग जब मूवी देख रहे थे, वो टीवी देख रहे थे, जैन ने बताया था, तो उसमें एक टाइप का मतलब फिश था, तो that was a type of fish जो कि फ्लैश ईटिंग करता है. तो ये क्या है? yes, इससे आप लोगों ने मैच किया होगा ना? वी शुड मैच द फ्लैश ईटिंग फ्लैश फाउंड इन द अमेज़न. इट्स अ टाइप ऑफ फिश दैट इज दैट कैन ईट फ्लैश दैट इज फाउंड इन द अमेज़न. तो वी शुड मैच इट. एक बार मैं भी मैचिंग करता हूँ ये. नाउ द नेक्स्ट इज कैपॉक. अभी अभी आप लोगों ने पूछा है, बताएं. Drives by paddle. This is a saucer. What is that? The last part of the bacha. It is a shape of the Amazon River basin. Amazon River basin. Amazonian River basin. ये था आप लोगों ने पहले से खुद ही कर लिया होगा. सभी को समझ में आ गया? Yes sir. अभी कर लेंगे. कोई दिक्कत नहीं. Now next move on the next question. The next question is the fill in the blanks. आपको ये English वाले question कुछ है ही नहीं सब, ये तो GK वाले question है. कैपॉक ट्री ग्रोज अप टू कितना फिट at times 200 feet. आप जिससे मैं पूछूंगा कुछ वो बताएगा. 3000 में से कितने खाने योग्य हैं? सत्य प्रकाश मौर्य, 3000 फ्रूट्स आप खा लेंगे ये अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के? कितने फूड्स आप खा सकते हैं? 200 केवल 3000 में से 200 खाएंगे. इससे ज्यादा भी कोई खा सकता है? क्या अमेज़न रिवर या अमेज़न रेन फॉरेस्ट वाला ही फ्रूट है? नो सर. ऐसा नहीं, आप इससे ज्यादा कोई चख सकता है? खाने की बात अलग है. ये नहीं है कि मेरे तो इतनी भूखे नहीं है. जो आउट ऑफ 3000 ओनली 200 फूड्स वर eatable, वो खाने योग्य हैं, बाकी नहीं खाने योग्य हैं. The last question is, there are over different types, there are how many over? मतलब कितना? Different types. 300. Very good. सब तो GK, बिल्कुल सीधा सीधा इसका आंसर है. ये आप लोग को होमवर्क दिया जाना चाहिए था. डिस्कस करने वाला इसमें कुछ है ही नहीं. Yes sir.
चलिए अच्छा है, यानी ये वही लोग कर पाए होंगे जिन्होंने बुक्स या एक्सप्लेनेशन पढ़ा होगा, जो बुक्स एक बार रीड किए होंगे वही लोग कर पाएंगे। बहुत आसान था। नाउ द क्वेश्चन, नाउ आंसर दिस क्वेश्चन, नेम द कंट्रीज थ्रू व्हिच द अमेज़न रिवर फ्लोस, क्या ये भी बताना पड़ेगा? नो सर, नो सर, लिख ले जाएंगे ना? यस सर, व्हिच द अमेज़न रिवर, पेरू, ब्राजील, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया। यहाँ पे आपका पहले ही पैराग्राफ में है इसका आंसर, जिसको ध्यान yes, है, मुझे जैसे नहीं ध्यान है, तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम लुकिंग इनटू एंड पेरू हो गया, ब्राजील हो गया, वेनेजुएला हो गया, इक्वाडोर हो गया एंड बोलिविया हो गया। इक्वाडोर को क्या बोलते हैं हिंदी में? मतलब अगर आप इसको सर्च करेंगे, आप फिलहाल ये 5 लिखिएगा आपके बुक में जो है। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सराउंड्स द अमेज़न रिवर, अमेज़न रिवर को क्या के चारों तरफ क्या है? सर सर, थिक रेन फॉरेस्ट, थिक रेन फॉरेस्ट, वेरी गुड, थिक रेन फॉरेस्ट, थिक रेन फॉरेस्ट, A thick rainforest called the Amazon rainforest. जो thick rainforest है, इसको American मतलब आप Amazon rainforest भी कहा जाता है, लेकिन आपको thick rainforest ही बोल देंगे, या Amazon rainforest भी लिखते हैं, तो दोनों सही है। लेकिन आप दोनों लिखते तो it would be better. A thick rainforest called the Amazon rainforest surrounds the Amazon river. Amazon river के surrounds से चारों तरफ क्या है? Amazon rainforest है। Amazon rainforest क्या? A thick rainforest. ठीक है, बहुत ही लंबे दूर में फैला हुआ। अभी लिख ले जाएंगे इसका आंसर, अ थिक रेन फॉरेस्ट दैट इज कॉल्ड द अमेज़न रेन फॉरेस्ट आर सराउंड्स द अमेज़न रिवर। ठीक है, कैसे कर लेंगे, क्या कर लेंगे, अ थिक रेन फॉरेस्ट दैट इज नोन एज द अमेज़न रेन फॉरेस्ट सराउंड्स द अमेज़न रिवर। आर नहीं लगाएंगे, आर के बाद आईएनजी फॉर्म होना चाहिए। अच्छा बेटा, मेनी ऑफ यू मतलब मेनी ऑफ यू हैव कमेंटेड इन द ऑन द वीडियोस ऑफ यूट्यूब कि I am watch the video. आपको पता है I am के बाद ing form आता है? Yes, पढ़ते होंगे, कहते हैं बताओ ये बच्चे English नहीं लिखना जानते हैं properly. अनिल आपने क्या comment किया है? आप sir, I watch full video. क्या लिखा है आपने comment में, जरा बताइए। Sir, I watch full video. फिर से बोलिए। I watch full video. I am watch fully video. I am watched नहीं होगा, I have watched कर दीजिए। I watched, yes, देखा, I watched, I have watched, मैं देख चुका हूँ, I yes, am watching होता है, am के बाद आपका ing form आता है, तो मैं देख रहा हूँ, तो आप देख रहे हो, तब तो आप बोले कि I am watching, अगर आपने देख लिया है, तो आप बोले I have watched, मैंने देख लिया है, मैंने देख लिया है, लेकिन अगर आप ऐसा बोले I watched the video, मैंने वीडियो को देखा, इसका मतलब ये भी है कि आपने देख लिया है। अभी मैंने पूछा ना कि हाउ मेनी मतलब हाउ मेनी ऑफ यू हाउ मेनी डिड यू वॉच द वीडियो, डिड यू वॉच द वीडियो, आपने वीडियो देखा, तो ये आप बोलेंगे यस आई वॉच द वीडियो, ये वीडियो को देखा। तो पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में बहुत थोड़ा सा अंतर है, दोनों का सेंस एक जैसे लगता है, बट इन व्हाट सेंस यू आर ट्राइंग टू स्पीक इट मैटर्स। बट लेकिन एम कई लोग लिख रहे हैं तो इट इज द मतलब पूरी तरीके से, ये कहीं पे भी नहीं दिखता कि ग्रामर का आप लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच या टेंस का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, जो आपका मुझे लग रहा है हिंदी मीडियम अगर पढ़ाया जाता तो ही आप लोग ग्रामर टेंस वगैरह पे ज्यादा ध्यान देते, तो इस तरीके से ना करना रहे। फिलहाल मैं कोशिश में हूँ कि आपका ये सिलेबस कम्प्लीट करने के बाद आपका ग्रामर पोर्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच ही क्लियर करूंगा, वो आपका बिना बुक के चलेगा, दैट वुड बी द नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी क्लासेस। तो व्हाट सराउंड्स द अमेज़न रिवर ये हो चुका है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई जैक प्लानिंग टू कैरी सेवरल मेडिकेटेड क्रीम विद हिम, यहां पे जब उसने पूछा था कि वाओ मतलब जब वो बिल्कुल सरप्राइज हो गया था उसका सुनकर, तो इतने सारे दीस मेनी मेडिकेटेड क्रीम बट व्हाई, तो उसने आंसर बताया था ना, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाई जैक प्लानिंग टू कैरी सेवरल मेडिकेटेड क्रीम्स विद हिम, कौन बताएगा? सर अनुप्रिया बताइए बेटा,
Sir Zayd is planning to carry several medicated cream with him because in the Amazon there are many types of harmful insects which can bite him. There are many kinds of harmful insects. तो उनको डील करने के लिए उनको टैकल करने के लिए ले जा रहा था ना तो यू शुड राइट जैड नीड्स द मेडिकेटेड क्रीम टू डील विद द इंसेक्ट्स जो उस पर्टिकुलर इंसेक्ट्स थे ना उनको उनको डील करने के लिए उनको उनको टैकल करने के लिए ले जा रहा था जैड नीड्स द मेडिकेटेड क्रीम टू डील विद इंसेक्ट्स सच एज स्कॉर्पियंस टिक्स एंड स्पाइडर्स दैट वाज फाउंड that are found in large numbers in the Amazon river in the forest okay abhi likh le jayenge iska answer ya main likh dun sir likh le jayenge sir likh lenge chalo ek bar main fir se bol de raha hu Zayd needs the medicated cream Zayd ko medicated cream ki kyun aavashyakta thi तो इसका आंसर मैंने लिखना चाहिए जैड नीड्स द मेडिकेटेड क्रीम जैड को मेडिकेटेड क्रीम की आवश्यकता थी क्या करने के लिए टू डील विद इंसेक्ट्स सच एज स्कॉर्पियंस टिक्स और कौन सा एनिमल्स था स्कॉर्पियन टिक्स एंड स्पाइडर्स दैट आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन द अमेजोन फॉरेस्ट या इन द फॉरेस्ट ठीक है yes. Yes. आप इन तीनों के आंसर भी आप यही सामने क्वेश्चन के सामने लिख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं ठीक है अलग से कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है पहला क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे ऊपर लिख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर बहुत ही छोटा आंसर आप भी यहाँ पे लिख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं दैट मीन्स की इस पेज के सारे आंसर आप इसी पेज पे लिख सकते हैं ओके बी सेक्शन अच्छा बी और सी दो सेक्शन अभी है B section में there are three question. The first question is why do you think there are so many species of birds and animals in the Amazon forest? आपको क्यों लगता है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? There are so many species of the birds. वहाँ पे birds और animals के बहुत सारी प्रजातियाँ हैं in the Amazon forest. आपको ऐसा क्यों लगता है? Who can speak the answer of this thing? Answer अभी अच्छे अच्छे आए हैं. शानिका चतुर्वेदी बताइए. Sir, शानिका बताइए. Sir, I think that there are so many species of birds and animals in Amazon forest because it is very thick forest and as we know that forest is the home of the animals. So it is, so respectively, if it is big forest, so as a big forest, so there are many species of. Animals and bird found in that. फिर से बताइए अमन वर्मा आप बताइए. I think there are so many species of bird and animals in the Amazon forest because forest is the home of the animals, birds and species and it is also and the Amazon is also the thick rainforest. So I think that it is. So I think that there are so many species. इसका आंसर आपने पहले से लिखा है ना? No sir. आप बताइए. तो नहीं लिखे हैं. नहीं 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 लिखा है. I think there are many. नहीं किताब होगी. नहीं लिखे हैं. चलो ठीक है अनुप्रिया आप बताइए. I think there are so many species of birds and animals in the Amazon forest because the forest is the A home of an animals and birds and the Amazon was very thick so there are many species of birds and animals. Anil Maurya also you want to tell the answer bataiye sir I think there are so many species of birds and animals in the Amazon forest because in Amazon has 3000 variety of fruits and there are thick forest to live birds and species. ठीक है बेटा anybody else who want to give the answer of this question? Dibya.
I think there are so many species of the bird and animals in the Amazon forest because the Amazon is home of the largest animals of the bird species, and the forest is thick. ठीक है, Amazon rainforest was very thick, बहुत ही बड़ा था. That was, चलो ठीक है, अभी मैं अपना आंसर बाद में बताऊंगा. रुचि आप बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? I think there are so many species of bird and animal of the Amazon forest because the Amazon forest are very thick and there are many space for live many bird and animal. They and the Amazon forest there live many birds and animals proper. Anybody else who want to give the answer of this question? Show me your hand. Okay. None of the students are showing. No. Okay, beta, aap logon ne bataya. Saurabh Kanojia is also has raised the hand. Yes, Saurabh. Speak. What is the answer of this question? Sir, I think there were so many species of birds and animals in the Amazon forest because it is so large and thick, and birds are like to live at the, and Amazon forest has many trees. So I think there were many birds and animals. Niharika Verma. निहारिका की तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा है. तनिष्का ने भी नहीं हैंड रेज किया. तो तनिष्का, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक? अच्छा चलिए ठीक है, समय कम है. अगर जिसने अपने मर्जी से नहीं हैंड रेज किया, बेटा आप लोगों में कई लोगों का जो आंसर है, सबका आंसर सही है. बिकॉज आप व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, आपने अपना जो सोचते हैं वो बताया आपने. दैट मीन्स कि ऑल द आंसर्स आर एक्सेप्टेबल. बट कई लोगों ने बोला कि दिस इज द होम ऑफ द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इज द होम ऑफ द बर्ड्स. चलिए आपने गलत नहीं बोला, सही है, कई सारे बर्ड्स के होम हो सकते हैं. बट आप इसको किसी दूसरे लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं. यू शुड टेल दैट कि अमेजॉन फॉरेस्ट गिव शेल्टर टू द मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स. वो शेल्टर देता है, आश्रय देता है. सारे बर्ड्स एनिमल्स के होम तो नहीं है ना, कुछ ही होंगे पूरे वर्ल्ड पूरी दुनिया में. कुछ बर्ड्स जो हमारे घरों के आसपास रहते हैं, अमेजॉन रिवर थोड़ो रात को जाते हैं. तो दैट मींस कि अमेजॉन रिवर में सबसे ज्यादा, मतलब इतने सारे प्रजाति के बर्ड्स और एनिमल्स इसलिए पाए जाते हैं बिकॉज अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इज वेरी थिक एंड इट प्रोवाइड्स, मतलब इट कैन जो फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. और जब वो इतना बड़ा है और शेल्टर और फूड्स वहां पे इतनी ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली देयर वुड बी द मोर नंबर ऑफ द स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द अमेज़न फॉरेस्ट. ठीक है, सो यू कैन राइट द आंसर. देयर आर सो मेनी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द अमेज़न फॉरेस्ट. कैसे लिखना है? देयर आर सो मेनी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द अमेज़न फॉरेस्ट because the forest provide food and shelter to the animals and birds and are act as a, जब आप वहां पे शेल्टर और फूड की बात जब करते हैं, अमेज़न फॉरेस्ट जब प्रोवाइड करता है, तो वो कहीं ना कहीं जो अमेज़न फॉरेस्ट है, इट इज वर्किंग एज ए शील्ड. वो किससे रक्षा करता है? इट एक्ट्स एज ए शील्ड अगेंस्ट ह्यूमन इनक्रोचमेंट. जो ह्यूमन प्रोचिंग या ह्यूमन एक तरीके से कह सकते हैं शिकार करने के लिए, ह्यूमन हंटिंग. तो बीइंग हंटेड बाय द ह्यूमन द्वारा, जो लोगों द्वारा शिकार होने से भी कहीं ना कहीं बचते हैं वहां पे. तो अमेज़न रिवर में इसीलिए इतने ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज बर्ड्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं. सो पहला क्वेश्चन हो चुका है, शैल बी मूव अहेड ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन हो जाएगा. यस सर. यस सर. आप लोग को समझ में नहीं आएगा, मान लीजिए लिखते समय कई सारे बच्चे अगर नहीं लिख पाएंगे तो रिकॉर्डेड वीडियो देख लेंगे आज के लाइव क्लास की, सुन सुन करके लिख लेंगे, बट दे हैव टू कंप्लीट द थिंग्स. द सेकंड क्वेश्चन इज गिव टू रीजंस व्हाई द अमेज़न रिवर इज सो लार्ज. ये आपके बुक में ही मेंशन है, आपको अपने मर्जी से नहीं बताना है. यानी इसका आंसर एक ही होगा, सभी लोग बताएंगे, चाहे जो बताएगा.
There is a two reasons why the Amazon River is so large. Who can give the answer of this question? Anil Maurya. Sir, Amazon River is so large because firstly it is located right at the equator, so in a map it runs here almost every single day. ठीक है, अमन वर्मा. The Amazon River is so large because the Amazon River is so large. Firstly, it is located right at the equator, and second it is a pore water in saucer that the everything collect in the middle, right? चलिए ठीक है, समय कम है इसलिए सभी के रिस्पांस नहीं ले रहा हूँ. बाकी जो क्वेश्चन है, बाकी जो बच्चे हैं उनसे पूछ लिया जाएगा, जो उनसे अभी नहीं पूछ रहा हूँ, उनसे अभी नहीं पूछ रहे हैं. Give two reasons why the Amazon River is so large. दो रीजन जो बताया था जैन ने, क्या बताया था? First reason was that this river is located at the equator. ये equator पे उपलब्ध है, equator पे स्थित है. It is located at the right of equator, at the equator. दोनों बात एक ही है, ऐसा नहीं है. ठीक है, it is located at the equator. और दूसरा रीजन जो था, the river bed is saucer shaped and all the water, जो भी वहां पे बारिश होती थी, the river bed is saucer, यानी आपको सूप की तरह था, saucer shaped. The river bed is the saucer shaped, वो सूप के शेप वाले में था. And all the water that falls in the river basin flows into the Amazon River. Yes. Yes. The third question, what is Jack's dream? Jack का dream क्या था? वहाँ पे उसने ये तो नहीं बताया कि Jack का क्या dream था, लेकिन वो कहा था कि कहीं ना कहीं जो सपने पूरे करने के लिए जा रहे हैं. तो क्या क्या था dream? What is the Jack's dream? Sir. Shanvika Chaturvedi. The dream of the Jacks is to travel in Amazon for the year and explore new things. Okay. Jack's dream is to go on the expedition to the Amazon. Okay. Amazon river पे कहने का खोज करने जाना एक dream था. ये मतलब वहाँ पे भाव निकल रहा है. Jack's dream is to go on a Jack's dream was go on an expedition to the Amazon. Expedition to the Amazon, Amazon पे खोज करने के लिए जाने का एक सपना था, वो पूरा हो रहा था वहाँ पे. बेटा जो C section है, आप लोग को तो अपने मर्जी से यहाँ पे question का answer देना चाहिए. Yes sir. Well, there will be difficulties, but that is what all the fun is about. Suleiman, what does that tell us about that? ये जैद के बारे में क्या दिखाता है, क्या बताता है? जैद बहुत बहादुर था और बहुत ही साहसिक था, adventurous था. जैद is brave and adventurous. इसका मतलब यही तो है. Yes sir. Yes sir. The second, would you also like to go on the adventurous trip? If yes, which place would you like to go to on? Yeah, aapke upar depend karta hai. Aap jana pasand karte hai.